तो गाइज़ आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और से नए से वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यामा MT-15, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है हमारा यामा MT-15 और इसका लुक तो आप देख ही सकते हैं, जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा मतलब सेल होता है, क्योंकि इसका लुक ही मेन है। और इसका इंजन और पिकअप जो इस इंजन में है वो मतलब बहुत कम बाइक में है इस प्राइस में। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं डिटेल में इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंजन से ही मेन, और फिर इसके आगे बात करेंगे। तो इंजन में बात करें तो इसमें आपको मिलता है 155 सीसी का इंजन, जो कि ABS है। ड्यूअल चैनल अभी नहीं मिलता है, सिंगल चैनल मिलता है। और आपको इसमें मैक्स पावर हो जाता है 18.5 PS का, जो कि 10,000 RPM पे आपको मिलता है। और ये लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक इंजन है और BS6 है। मैक्स टॉर्क है 13.9 Nm और नंबर ऑफ सिलेंडर 1 है। फ्यूल टाइप पेट्रोल है, और ऐसे भी पेट्रोल ही होता है, बाइक डीजल थोड़ी होता है, ये तो नॉर्मल सेंस है। और आगे आप देख सकते हैं ये दो हमारा DRLs, और इस मतलब आप देख सकते हैं ये कितना छोटा है, पर इसका जो बीम होता है मतलब जैसे उतना भी तो अच्छा नहीं है, पर फिर भी ख़राब नहीं कह सकते कि ख़राब है, क्योंकि बस। और इसमें अब ये हाई बीम का भी ऑप्शन है, देख सकते हैं। और साइड से देखिए तो यहाँ पे आपको रियर में भी डिस्क देखने को मिलता है और फ्रंट में भी मिलता है, और ड्यूअल डिस्क मिल जाता है। यहाँ पे यामा की बैजिंग, और ये आपको कुछ ऐसा इसका मिलता है साइड से लुक। मेन प्रॉब्लम इस बाइक में है कि इसका जो रियर सीट है ना, बहुत छोटा है। आप खुद देखिए, यहाँ पे जो भी इसको ड्राइव करेगा वो बैठेगा, पीछे में बस वही बैठ सकता है। मतलब जो अब ज़्यादा दो से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, दो भी उतना कंफर्टेबल नहीं है बस ये। हाँ, पर अगर जो पहला राइडर बैठा है ना, वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि बहुत बेस्ट है इसमें। तो टायर का देखते हैं, तो MRF का टायर आपको मिलता है, ट्यूबलेस टायर मिलता है, और शायद हाँ R17 है, 140/70, तो 17 इंच का आपको टायर देखने को मिलता है। और आगे में देखते हैं, आगे में देखिए 100/80 है R17, 52P। तो आगे 52 का भराता है, ये हवा जो भी इसमें हम लोग करते हैं। और दो इंडिकेटर है, सॉरी ये थोड़ा सा टूट गया है और ज़रा सा बाइक गंदा है, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए वीडियो को आगे तक देखते रहिए। और टायर आप देख सकते हैं कितना ब्रॉड है, और ये हमारा एग्जॉस्ट, क्योंकि तो मतलब क्या लुक देता है, मतलब एक स्पोर्टी बाइक का आपको इसमें लुक आ रहा है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और इसका लेंथ वेंथ सब बड़ा है। टायर तो सबसे ज़्यादा पीछे वाला आप देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड लगता है देखने में। और ड्यूअल डिस्क है इसमें, ड्यूअल चैनल ABS रहता तो अच्छा रहता, पर अब कंपनी के द्वारा इसको अपडेट किया जा रहा है, तो उसमें शायद ड्यूअल चैनल ABS आएगा। तो ये है हमारा कुछ मीटर, और इसको हम करते हैं ऑन, तो इसका देखिएगा एनिमेशन। फोकस, एक सेकेंड, इसमें आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और अभी आप देख सकते हैं 11,752 चल चुका है यहाँ पे न्यूट्रल, और ये पेट्रोल का है। आप इसमें ट्रिप 1, ट्रिप 2 और एवरेज किलोमीटर लीटर, एवरेज किलोमीटर देख सकते हैं, एवरेज स्पीड देख सकते हैं, ओडो टाइम भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा की देखने को मिलता है यामा की तरफ से, और ये आपका फ्यूल ऐसा है, बड़ा इजीली लग भी जाता है। हाँ, बस इसको प्रेस करना है लग जाएगा। और गियर आपको बताता है, एक नीचे है फर्स्ट, उसके ऊपर सब है, और टोटल 6 गियर है।
टोटल 6 गियर्स में आपको देखने को मिलता है। और ये कलर आप देख सकते हैं, आगे में आपको एलॉय ऑरेंज मिलता है और पीछे में, और ये वाइट मिलता है। यहाँ पे आपको MT का साइन, ये MT का साइन है ऑफिशियल। तो अगर आपको नहीं पता तो हम ये भी बता दें, तो ये मेरा ड्रीम बाइक है, मतलब है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट बाइक है अगर आपको नहीं पता हो तो। और आज रिव्यू करने का मौका मिला तो इसलिए हम कर लिए, और इसलिए तो चलिए एक ड्राइव पे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और ऐसे हमको पता है क्योंकि इसको चलाने में जो मज़ा है ना, वो हमको और किसी बाइक में आया ही नहीं। सबसे बेस्ट बाइक है मेरे लिए, और आपके लिए हो या ना हो, पर मेरे लिए भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट बाइक है और ड्रीम बाइक है। तो चलिए चलते हैं, और सबसे बेस्ट तो इसका ये पार्ट, इसी पार्ट के लिए तो हमको ये पसंद है। तो चलिए चलते हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना स्मूथ है, ये हट जाएगा मतलब। पिकअप तो जो है ना इस बाइक में, और वो किसी बाइक में। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग ऐसे ही हैं नॉर्मल रोड पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा है, तो हैंडल का अगर बताएं तो भाई बिल्कुल स्मूथ है, आप टर्न ले सकते हैं। देखिए अभी हम ले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पिकअप तो भाई नेक्स्ट लेवल। इसका पिकअप का मज़ा तो अलग ही है। हाँ, टॉप एंड इसका कम है, क्योंकि टॉप ही स्पीड इसका कम जाता है, पर जो पिकअप जाता है ना, वो नेक्स्ट लेवल जाता है। इसका हॉर्न ना थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं दिया, जिस हिसाब से कंपनी पैसा लेती है तो थोड़ा सा तो अच्छा देना चाहिए। हॉर्न बहुत लो क्वालिटी का, कहीं ना कहीं कंपनी कट करती है। और गियर शिफ्ट करके बिल्कुल स्मूथ है, मतलब गियर शिफ्ट करने में हार्ड फील बिल्कुल नहीं होता है। देखिए प्रॉब्लम इस बाइक में बिल्कुल नहीं है, ड्राइविंग में तो, ड्राइविंग के लिए तो ये बाइक फेमस है। मेन प्रॉब्लम है जो भी है उसका सीटिंग में, जो अभी पीछे हमारे जो होम में बैठे हुए हैं उनको दिक्कत हो रहा होगा, वो आपको बताएंगे वीडियो के एंड में बताएंगे। अभी हम ड्राइविंग दे रहे हैं, तो और ये जो माइलेज आपको देता है लगभग 50 तक दे ही देता है। और सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा है, इसको चलना अच्छा। एक ऑटो रे आगे ऑफ रोडिंग का सामना करते हुए, यहाँ देखिएगा ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसको। ओ भाई साहब, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रोडिंग करो या कुछ करो, दिक्कत है बस सीट का, थोड़ा सा सीट अच्छा दे देता है ना बेस्ट होता है। थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन के लिए बोलो तो, ऐसे तो दो ही बचता है, तो सेकंड पर्सन के लिए दिक्कत है। और हम मेरा हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बाइक मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम लोग ड्राइव करके इसको आ चुके हैं, तो अगर हम अपने ओपिनियन से ड्राइविंग रिव्यू दें तो जो आपका हैंडल प्रेजेंस है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टर्न कैसे भी लें आपको उतना कुछ फील नहीं होता है कि ये हार्ड है या, और गियर शिफ्टर सबसे स्मूथ इसका गियर शिफ्टर है। हाँ, और वेट भी लाइट है इसके अकॉर्डिंग। आप स्प्लेंडर से कंपेयर कीजिएगा तो अलग ही बात है, और इसके कम अगर इससे कंपेयर कीजिए इसके सेगमेंट में तो भाई कम है। और इसमें मेन बात जो अभी हम आपको कह रहे थे राइड के टाइम कि पीछे वाले को दिक्कत हो रहा होगा, पर वो अभी बोल रहे हैं कि दिक्कत नहीं हो रहा था, क्योंकि मेन रीज़न देखिए ये जो सस्पेंशन है ना बीच में,
तो इससे प्रॉब्लम नहीं, आपको पीछे में कंफर्टेबल फील कीजिएगा, बस प्रॉब्लम ये होगा ना कि जो स्पेस है वो कम, तो स्पेस हाँ हो सकते हैं, बस स्पेस कम है, कंफर्टेबल आप बिल्कुल फील कीजिएगा। तो स्पेस जैसे कि मतलब नॉर्मल दो बंदा आराम से बैठ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ इसका रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलता है, ताकि आप देख सकते हैं। और यहाँ एमटी की बैजिंग। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं इस बाइक में यूनिक क्या है, आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इसका हॉर्न है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका टर्निंग है। सब बाइक में ये यहाँ पे होता है और ये यहाँ पे होता है, पर इसका ये यहाँ पे, अब क्यों है पता नहीं। इसका ऑप्शन मिलता है और ये हमारा स्टार्ट होता है, इससे ऑन और ऑफ, ये दो टर्निंग इंडिकेटर है। तो लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस बाइक में, और सबसे बेस्ट तो आप जानते ही हैं ये है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो Vishal_2605 पे फॉलो कर सकते हैं। और एक और बात, एग्जॉस्ट तो अभी बाकी है, एग्जॉस्ट दिखा दें। हेलो, हाँ मेरे ही पास है, न्यूट्रल कर लेंगे। तो ये था इसका एग्जॉस्ट साउंड, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को फाइनली एंड करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी एक और से नए से वीडियो में। आज के लिए टाइम, बाय।